यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई चुनावी चेहरा नहीं है, बीजेपी तो खोखले दावे करना जानती है। दरअसल एक दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा था कि कांग्रेस में चेहरा कोई भी हो, इस बार चुनाव में कांग्रेस जाएगी और बीजेपी आएगी। पूनिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस के जाने की बात करने वाले बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, क्या बिना चेहरे के ही बीजेपी आ जाएगी? वह यह तो बताएं कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं बिना चेहरे के ही जीत जाएंगे, तो फिर बिना चेहरे के ही जनता से वोट ले लें। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी पहले से तय कर लें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपना चाहती है। यह कहते हुए धारीवाल ने बीजेपी के अंदर चल रही चेहरों की लड़ाई को लेकर इशारा किया। धारीवाल ने कहा कि चुनाव में जनता चेहरा देखती है और जनता बीजेपी से जानना चाहती है कि आखिर वे किसके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी के नेता सिर्फ खोखले दावे कर रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने अपने 3 दिवसीय कोटा दौरे में यह बात कही। मंत्री शांति धारीवाल सिंधी सोशल सर्कल के पद स्थापना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रहे। यहां उन्होंने कहा कि जनता को अब अपने मकान और भूखंड का मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने अभियान के तहत और ज्यादा सरलीकरण और रियायत दी है। इस अभियान को अब वार्डों तक ले जाकर वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान के तहत किए गए सरलीकरण का भी फायदा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन रविंद्र त्यागी सिंधु, सोशल सर्कल के अध्यक्ष बंशीलाल सावधानी, माफ कीजिएगा साधवानी, पार्षद सतीश गोपलानी सहित सिंधु सोशल सर्कल के पदाधिकारी सदस्य एवं समाज के लोग मौजूद रहे। वो तो कुछ भी कह दे तो साहब बगैर चेहरे के ही हम तो आ जाएंगे, तो बगैर चेहरे के वोट पड़ जाएंगे उनको। चलो ठीक, पहले चेहरा तो चाहिए कि वो पहला चेहरा तय करें। आखिर जब तक चेहरा जनता के सामने नहीं होगा तो जनता निश्चित तौर पर ये सवाल उठाएगी तो कौन है, किसको किसको सौंपना चाहते हो मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन बीजेपी मोटे तौर पर ये मानकर चल रही है कि हम कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यही कहेंगे, बस बहाना बनाएंगे कि हम कमल के फूल पर, वैसे तो हम भी फूल अपने पंजे पे लड़ रहे हैं चुनाव। ये वायरल है।